नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जमीन और इससे जुड़ी बिहार की समस्याएं आम बात है। आप अगर हर दिन अखबार उठाकर देखें तो आप भी समझ जाएंगे कि इस समस्या को आम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार में परिवार कोई भी हो, जमीन बंटवारे के कश्मकश में या तो उलझा हुआ होगा या फिर उलझ चुका होगा। लेकिन इससे अछूता कोई है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जमीन और संपत्ति का बंटवारा विवाद की बड़ी वजह रहा है। इसके चलते ही दीवानी और आपराधिक दोनों ही तरह के मुकदमे अदालतों की फाइलों में जमा है। यही कारण भी है कि बिहार सरकार बिहार में जमीन से संबंधी मामलों के निपटारे में लगी हुई है। साथ ही अब तक इन विवादों को निपटाने के लिए एक नए नियम कायदों को भी लागू कर चुकी है, साथ ही संशोधन भी करती ही रहती है। इसी कड़ी में अब बिहार में विवाद खत्म करने के लिए सरकार कई तरह के बदलाव करने की तैयारी में है। इसको लेकर राज्य सरकार के भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने हाल ही में बिहार विधानसभा में ये कहा कि सरकार बंटवारा संबंधी कानून में बदलाव की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार बंटवारा संबंधी विवाद को देखते हुए कानून में बदलाव लाने पर विचार कर रही है, जिसके तहत ही अब अगर हिस्सेदारों के बीच अगर आपसी सहमति के आधार पर निदान नहीं होता है तो जमीन का बंटवारा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार कानून बनाकर इस तरह से बंटवारा करने का अधिकार DCLR को देने की तैयारी हो रही है। मंत्री जी की माने तो रैयतों को ऑनलाइन सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। वर्तमान समय की बात करें तो बिहार में जमीनों का म्यूटेशन, अपील, लगान, LPC और जमाबंदी में सुधार के लिए बनाए गए परिमार्जन पोर्टल के जरिए समस्याओं का कम समय में समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जमीन के डिजिटलाइजेशन में केंद्र से 144 करोड़ रुपए मिले हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी के माने तो बिहार में जमीन संबंधी मामलों के निपटारे के लिए शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं के शुरू होने से आवेदनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन रसीद काटने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और सेवाओं को समय सीमा के तहत ही किया जा रहा है और देरी होने से संबंधित अधिकारियों को अब जवाब भी देना पड़ता है। ऐसे में अब उम्मीद है कि 1 अप्रैल से फिर से उनके नाम से दाखिल खारिज होगा जिनके नाम से जमाबंदी कायम है। जमीन बंटवारे की प्रक्रिया में CO और अमीनों को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि यह अभी तो तय नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा ही होने वाला है। इससे बाद में विवाद की गुंजाइश कम होगी और बंटवारे का काम भी अधिक सरलता से होगा, जिसके बाद ही अब उम्मीद की जा सकती है कि बिहार में जमीन से संबंधित मामलों का निपटारा सही ढंग से हो पाएगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।